गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज हम बनाने जा रहे हैं बहु एक्सेसरीज। आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है तो सोचा कि क्यों ना हम इसे ट्राई कर लें। इसके लिए मैंने लिया है सबसे पहले रबर और साथ में थ्रेड। थ्रेड आप जो भी आपको कलर पसंद हो आप उसे ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले यूज़ किया है ब्लू कलर का थ्रेड। ये एम्ब्रॉयडरी थ्रेड मैंने यूज़ किया है जो अच्छी शाइन में आता है इस तरह। और इसको हम जिस तरह से हम ब्रेड बनाते हैं इसी तरह से इसको ब्रेड कर लेना है। और बीच में हम इसके चार्म्स हो गए, जो भी हमें चार्म्स पसंद हैं या जो बॉडी शेल्स होते हैं वो हम इसके साथ साथ में अटैच करते जाएँ। क्योंकि क्या होता है ना, ये थोड़ा सा फंकी लुक देता है और फंकी लुक आज कल की लड़कियों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए इसको बनाते हैं। ये मैंने इसमें चार्म अटैच किया है, फिर इसको फिर दोबारा ब्रेड कर लेना है। और ब्रेड करने के बाद हम उस पर कोई भी कलर का कॉन्डिशनर दे सकते हैं। व्हाइट यूज़ किया है मैंने, आप चाहे तो कलरफुल मल्टी कलर दिया ले सकते हैं। तो ये की खासियत यही होती है कि आप जैसे भी अपने बाल बनाए, पॉनी टेल बनाए या साइड टेल बनाए या आप ब्रेड करें बालों को, साथ में अगर इसको आप लगाएं तो बहुत ही अच्छा लुक देता है। और ये कुर्ती के साथ और आपके टॉप के साथ बहुत अच्छा लुक करता है। तो गर्ल्स आप इसको जरूर ट्राई करें। और इसको बनाने में इतना समय भी नहीं लगता है, आप अपने खाली टाइम में भी इसको आराम से बना सकते हैं। और एक रबर तो आपके पास, गर्ल्स के पास मेनली रबर से स्पंजी से सारी चीज़ें होती हैं, तो आप इसको बहुत आसानी से घर पे ही बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको पूरा ब्रेक कर लिया है और ये मेरी फर्स्ट स्ट्रिंग है वो तैयार हो चुकी है। ऐसे ही हम दो तीन स्ट्रिंग या चार स्ट्रिंग या पाँच स्ट्रिंग जैसे आपको ठीक लगे आप स्ट्रिंग बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने तीन अलग अलग कलर की स्ट्रिंग ली है, पिंक एंड ग्रीन। और उसमें मैंने अटैच किए हैं कुछ चार्म्स, कुछ कॉरी शेल्स जो कि अलग अलग कलर में है। और ये मेरी स्ट्रिंग तैयार हो चुकी है। अब इसका जो लुक आएगा उसी की तरह मैंने और भी तैयार की। ये इनके प्यारे प्यारे लुक हैं, ये कलरफुल में भी है, एक ही कलर में भी है और एक ही कलर का कॉम्बो भी है। आप देख सकते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।